23-24 जुलाई 2021 देश का मौसम। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपको दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के ताजा अपडेट के बारे में, तो कैसा रहने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन से दबाएं जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। कैसा मौसम सिस्टम रहने वाला है चलिए जान लेते हैं। मानसून ट्रफ अब अमृतसर, करनाल, अलीगढ़, सुल्तानपुर, जमशेदपुर से होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र और फिर पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बढ़ रही है। एक अपतटीय ट्रफ रेखा दक्षिणी गुजरात तट से कर्नाटक तक फैली हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है और निचले हिस्सों में असम के मध्य भाग में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से है फिलहाल मौसम सिस्टम। बात करें आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम की, तो आने वाले 24 से 48 घंटों में इस मौसमी सिस्टम के कारण कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के आसपास के हिस्से, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के हिस्से, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है, ऐसी मौसम विभाग की संभावना है। उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात के हिस्से, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब के हिस्से, हरियाणा के हिस्से, सौराष्ट्र और कच्छ, बिहार के हिस्से, झारखंड, केरल के तमिलनाडु कुछ हिस्से और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है और मेघ गर्जना या हल्की बारिश हो सकती है दिल्ली एनसीआर में। लेटेस्ट अपडेट था मौसम विभाग का, वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, रह सके देश की सभी कैटेगरी खबरों के साथ मौसमी खबरों से अपडेट।